Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are doing a new episode 12 of the web technology, and today episode is how to create and run HTML document. In the last episode हमने किया था HTML के बारे में कि उसका मतलब क्या होता है, उसमें कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं अपने टैग्स में और उसमें कैसे कैसे हमने डाटा डालना है, एंड हमने एक प्रोग्राम भी रन करके देखा था. बट वो क्या था, वो सिर्फ एक ओवरव्यू था कि इसमें कैसे होता है. बट इस एपिसोड में हम अच्छे से करेंगे कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम रन करते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट को. तो HTML में बेसिकली HTML होता है, स्टार्टिंग में HTML टैग रखेंगे जिसको एंगुलर ब्रैकेट्स में रखेंगे, एंड लास्ट में भी एक HTML टैग होगा जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स में होगा, और क्लोजिंग टैग हमेशा एक हैश के साथ आता है. तो ये हमने याद रखना है कि जब हम टैग को स्टार्ट करेंगे उसको एंड भी करना है, और एंड करने का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, विद द हैश साइन होगा. HTML के बाद हम हेड लिखेंगे, हेड को क्लोज करेंगे बॉडी से पहले. जो हेड पोर्शन होता है वो और बॉडी पोर्शन अलग अलग रहते हैं, वो आपस में ज्वाइन नहीं होंगे. तो हेड पोर्शन को ऊपर ही हम क्लोज कर देंगे. उसके बाद हम जो हमारा हेड पोर्शन होता है उसमें हम टाइटल का भी लिख सकते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो टाइटल टैग होता है वो ऑप्शनल होता है और वो हेड के अंदर आता है. जहाँ जो भी हम टाइटल में लिखेंगे वो हमारा शो होगा टाइटल बार में. तो उसके बाद हमारा बॉडी टैग आएगा. बॉडी टैग में हम कुछ जो भी लिखेंगे वो कंटेंट जो है वो शो होगा वेब पेज पे. अगर हमने जैसे मान लो हमने अपने पेज पे कुछ शो करवाना, कोई इमेज है या फिर कोई टेक्स्ट है, कुछ भी शो करवाना है, वो हमारा बॉडी के बीच में आएगा. बॉडी में हम लिखेंगे जो भी लिखेंगे वो हमारा पेज पे शो होगा. और एंड टैग एज यूजली मैंने आपको बताया था कि वो एंड टैग के साथ होगा, एंड HTML जो है हमारा एंड में रहेगा. इन शॉर्ट HTML टैग्स के अंदर हमारा सारा प्रोग्राम चलेगा. और उसके बाद हेड टैग अलग होगा, बॉडी टैग अलग होगा. हेड टैग में हम टाइटल को ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है हमारा, और बॉडी टैग अलग होगा. तो ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML टैग का. एंड वन मोर थिंग कि जो ये टैग्स हैं हमारे, हम इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं. बट अगर हमने कैपिटल में स्टार्ट किया है तो हमारे पूरे जो हैं वो कैपिटल में रहेंगे टैग्स. अगर स्मॉल में स्टार्ट किया तो वो पूरे हमारे स्मॉल में रहेंगे. तो जो हमारा टैग होता है ये पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये हम पूरा हम नोटपैड पे लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे लिख सकते हैं. वो हमारी मर्जी है कि हमने नोटपैड पे लिखना है, नोटपैड प्लस प्लस पे लिखना है. फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अपीयरेंस डिफरेंट होगी इसकी और उसकी, बाकी सब जो हमारा सेम होगा. फॉर हमने यहाँ पे जो किया है, जो टैग्स लिखे हैं वो टैग्स लिखे हैं स्मॉल लेटर्स में. तो वो आपकी मर्जी है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि HTML हम कैपिटल भी लिख सकते हैं टैग्स जो हैं, और स्मॉल भी लिख सकते हैं. तो हमने सभी स्मॉल यूज़ किए हैं. HTML टैग यूज़ किया स्टार्टिंग में और एंड में, क्लोजिंग टैग यूज़ किया है. देन हेड के बीच में हमने टाइटल लिखा है. टाइटल जो है हमारा वो शो होगा टाइटल बार में, जहाँ पे जैसे हमने नोटपैड लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल 11 नोटपैड लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारा माय फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ आएगा. एंड देन हमने हेड क्लोज कर दिया विद द क्लोजिंग टैग. देन द बॉडी टैग ओपन हुआ है. बॉडी टैग में हमने वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज लिखवाना है. एंड H1 इज़ अ एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट्स जो हैं हम आगे करेंगे अच्छे से. एंड एट्रीब्यूट्स में हमने हेडिंग है जो हमारी ये किस तरह से शो करवानी है, किस साइज़ में शो करवानी है, उसके लिए होता है. एंड देन बॉडी क्लोजिंग टैग एंड HTML क्लोजिंग टैग. तो जब हम इसे सेव करेंगे, सेव करना है हमने, जैसे इसका नाम कोई प्रैक्टिकल जो भी नाम लिखना चाहते हो प्रैक्टिकल, देन उसके बाद डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे. तो जब आप उसको सेव करोगे तो वो कुछ इस तरह से अपीयरेंस में आएगा. जब आप उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये अपना ओपन हो जाएगा. जैसे कि हमने लिखा था माय फर्स्ट वेब पेज, टाइटल का नाम दिया था, तो हमारा टाइटल जो है वो ऊपर शो होगा माय फर्स्ट वेब पेज. और हमने वहाँ पे बॉडी में लिखा हुआ था वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है. हेडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ के जो साइज़ है या शो हो रहा है हेडिंग, तो वो उस अकॉर्डिंग आएगी. तो ये हमारा जो है प्रैक्टिकल था. तो या थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस. आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू गाइस, बाय बाय.